या कैसी लगी सर आपको? वेरी गुड, अमेजिंग मूवी, बहुत बहुत अच्छी मूवी है, हर किसी को देखना चाहिए, हर इंडियन को देखना चाहिए मूवी। कंगना रनौत इज एन टू टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर, तो उनको जज करना नो कमेंट्स उनके बारे में, वो बहुत ही वेटरन एक्ट्रेस है। तो लोखंडे के बारे में हाँ, वो भी ठीक ठाक है, वेरी गुड, अच्छी एक्टिंग है। डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन बहुत मस्त है, हर एक चीज़ को बारीकी से उन्होंने दिखाया है, झांसी के बारे में, रकमे के बारे में। हाँ, जो गाना सबसे अच्छा है, सबको पसंद है, जो भारत के बारे में जो गाना का गाना है। कितने देश? 4.5। मणिकर्णिका वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस फिल्म में पूरी की पूरी फिल्म जो है वो हिस्टोरिकल बेस है, तो उसमें जो होना चाहिए जैसा इम्पैक्ट होना चाहिए वो तो है ना, तो वो उसमें अच्छे डायरेक्शन है, बहुत अच्छा है, और इसके जो सपोर्टिंग कास्ट हैं दे आर वेरी नाइस। कंगना रनौत वेरी नाइस, बहुत अच्छी, मतलब उसमें एकदम ओरिजिनलिटी जो झलकती है ना, कि एक लड़की कैसे मतलब अननेसेसरी का वो नहीं है, मतलब दिखावा नहीं है, मतलब जो है होता है ना, जैसे लड़कियाँ होती है और उसके बाद वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें है। अंकिता लोखंडे सॉरी वेरी नाइस। ओके सर, कितने स्टार देंगे आप? 4-4। आपको अच्छी मूवी है, हिस्टोरिक मूवी है और देशभक्ति की। क्या खास बात लगी है फिल्म की आपको? कंगना रनौत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो लोग उस तरफ बैठे उन्हें कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे कि क्यों जाएं फिल्म देखने के लिए? हाँ, ये फिल्म देखनी चाहिए, देशभक्ति की मूवी है, अच्छी मूवी, अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। सारे एक्टर हैं, अंकिता लोखंडे, हाँ उनका काम भी अच्छा है, सपोर्टिंग रोल में अच्छा काम है उनका। तो आप मानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जिस तरह से फिल्म बनाई है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, अच्छा सक्सेस हुए बनाने में? हाँ, डायरेक्शन अच्छा है। कितने स्टार देंगे आप? 4। थैंक यू। बहुत कैमरामैन ओपी पे है, बहुत अच्छी मूवी। डायरेक्शन पार्ट कैसा है फिल्म का? डायरेक्शन पार्ट क्योंकि कंगना ने डायरेक्ट किया उस फिल्म को, मतलब काफी पार्ट्स ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली वो क्या होता है ना कि सभी मेरे को अभी जो सब लोग पूछ रहे हैं कि स्टोरी कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, वो एक आपका ना आपको दिखाता कि आप किस हिंदुस्तान में रहते थे। अच्छा। और वो चीज़ हम भूल गए, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर बाहुबली को किसी मूवी ने कम्पीट किया तो वो ये है। क्या बात है? नहीं, ये है कि कंगना रनौत की एक्टिंग आपकी कैसी है? बहुत शानदार है सर, मतलब ऐसा होता, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी तो मैं इतना एक्साइटमेंट हो जाता हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं एक बार जाके और देखूँ। अंकिता लोखंडे की एक्टिंग बहुत शानदार, कैरेक्टर को कितना जस्टिस दे पाई है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई लगती है वो स्क्रीन पे कि हाँ रानी लक्ष्मी? बिल्कुल लगती है। अच्छा। बिल्कुल लगती है, आपके सामने ऐसा लगता है कि सच में कोई रानी लक्ष्मीबाई है और लड़ रही है। तो कंगना टॉप में आने वाली है एज एन एक्ट्रेस? वो तो ऑलरेडी टॉप में ही थी, लेकिन अब वो टॉप पे नहीं है, अब वो टॉप से भी ऊपर। कोई गाना पसंद आया? हाँ, उसमें एक गाना है कि भारत रहना चाहिए, कितना शानदार गाना, कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी वो गाना चलता है, और गाना कई बार उसमें चलता है, और जितनी बार वो गाना चलता है उससे बेहतर कोई सीन होता ही नहीं उसके बाद। कितने स्टार देंगे आप? 5 में से 5 दे पाऊंगा मैं, वैसे काश मैं 6 दे पाता। थैंक यू सो मच। आई थिंक मस्ट वॉच, एवरी इंडियन शुड गो एंड वॉच, सबको देखना चाहिए इसको, ब्लॉकबस्टर बनाओ यार। अगर बाहुबली जैसी, बाहुबली से आई थिंक उसकी पूरी टक्कर की मूवी है, आप VFX से लेके फाइट सीक्वेंस जितनी भी चीज़ें देखोगे, इट्स अमेजिंग। कंगना रनौत की एक्टिंग कैसे लगी? आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते उसकी एक्टिंग पे, आई थिंक कोर रीज़न है पूरी मूवी में। आई थिंक आप कंगना रनौत देखोगे ही नहीं मूवी में, आप रानी लक्ष्मीबाई को ही देखोगे पूरी मूवी में। अंकिता लोखंडे इम्प्रेसिव, वेरी गुड, वेरी गुड। फिल्म में बहुत पेन, इट्स नॉट लाइक पेन, यू कैन रिलेट इट समटाइम, व्हाट हैपेंस, स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है पर आप कनेक्ट नहीं होते। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा पैट्रियोटिक फीलिंग्स भी है ना, तो आप बहुत कनेक्ट हो जाते हो और आपको बुरा लगता है, आप सारे फाइट सिक्वेंस में ऐसे होता है, अरे नहीं यार नहीं मरना चाहिए था, ये कैसे हो गया, सो इट्स लाइक यू फील कनेक्टेड ऑल द टाइम। डायरेक्शन आपको कितना बांध कर रखता है कि हाँ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा? एक्साइटमेंट बहुत है, आई मीन आप ना पूरी मूवी में आप बिल्कुल कहीं इधर उधर देखते भी नहीं, पहली ऐसी मूवी है जिसमें मैंने फ़ोन नहीं चेक किया होगा बीच में, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं इसमें। भारत, दैट्स वेरी मूविंग सॉन्ग, मतलब आपको फील होता है अंदर से, इमोशंस ऐसे बाहर आते हैं, बट यार कंगना रनौत रॉकिंग, आई स्वेयर। मैं तो 6 दूंगा। अच्छी लगी पिक्चर और एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है, क्लीशे नहीं है कुछ, जो हमने पहले देखा है लड़ाइयाँ पिक्चरों में देखते हैं वैसे वाला कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। मैं जज नहीं कर सकती, शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस, और हमारी इंडियन इंडस्ट्री में पहली एक्ट्रेस है जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है,
कि उनको किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, वो हीरो ही है हमारे। अंकिता लोखंडे अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग, प्रीटी बहुत अच्छी है। डायरेक्शन कितना बांध कर रखा आपको कि हाँ नेक्स्ट क्या होने वाला है? डायरेक्शन के लिए मैं 4 स्टार दूंगी, एक्टिंग वाइज तो मैं 10 स्टार भी दे सकूंगी, बहुत अच्छी। एंड कितना कोई गाना पसंद आया आपको इस फिल्म में? सारे गाने अच्छे हैं। भारत हाँ, स्क्रीन प्ले 20% और अच्छा होता तो ये पिक्चर मतलब और अच्छी होती। अच्छी है पिक्चर, बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैं खाली स्क्रीन प्ले के लिए बोल रही हूँ कि 90% लगा वो मुझे, 10% और होना चाहिए। सहाबती होल ओवरऑल पिक्चर ने आपको कैसा फील किया? लाइक हाउ वाज यू वाचिंग इट? अमेजिंग अमेजिंग। वो कंगना अगर इंटरनेशनल होती वो कोई पिक्चर करे तो वो ऑस्कर विनर है। अमेजिंग है। 5। मणिकर्णिका ना ऑसम मूवी है और मैं सजेस्ट करूंगा सभी से कि ये मूवी देखें, क्योंकि इसमें जो माइथोल को जो हिस्टोरिकल जो मूवी बनाई है कर्णिका ने, तो बहुत तरह की मूवी की है, फैशन की है, जो भी सॉरी फैशन जो भी की है फैशन, तो उस मूवी में काफ़ी अच्छा उनने किया था, लेकिन ये अलग टाइप की मूवी है और उनका जो भी एक्टिंग है ऑसम है और उन पर वो इस मूवी शूट भी करती है। पूरा सी डिड पूरा जस्टिफाई इसने किया, जो भी रोल का उसने पूरी तरह से अच्छी तरह से जस्टिफाई किया और जो भी डायरेक्शन है उनका भी बहुत अच्छी है। कंगना रनौत की एक्टिंग पसंद आई? बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी। अंकिता लोखंडे या जो भी सपोर्टिंग एक्टर है, कुलभूषण खरबंदा, अंकिता लोखंडे ने अच्छा जॉब किया। डायरेक्शन मैं मानता हूँ कि उनका ये सबसे बेस्ट मूवी होगा मेरे हिसाब से, उनका जो भी पहले का जो मूवी था उससे उनका उन्होंने बेस्ट किया। इतना बड़ा मूवी को बनाना, इतने बड़ी मूवी को बनाना, उसके बाद वार सीक्वेंस ने एक नहीं 3-4 वार सीक्वेंस ने दिखाया है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया है। जैसे पद्मावत में आप देखोगे कि वार सीक्वेंस जो है सो बहुत मतलब कम दिखाया गया, पूरा एक साथ एक दो लोग को लड़ाते, लेकिन पूरे एक साथ क्राउड को जो भी फाइट करा वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक गाना जो बैकग्राउंड में बार बार बताया, मैं रहूँ या ना रहूँ ये भारतवर्ष रहना चाहिए, ये गाना काफ़ी अच्छा लगा और दिल को छू गया। वो आउट ऑफ 5 4.5।